तुझे भी कुछ कहना बाकी है? देख इस लड़की की हरकतें, इतना कुछ होने के बाद भी तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ रही, डर ही नहीं कोई। पहले भी तुमसे विनती की थी, आज फिर से कर रही हूं, भूल जाए इसे। अब चल, इंतजार कर रहे हैं वो लोग। आप लोगों को मकान ढूंढने में कोई खास परेशानी तो नहीं हुई? अरे नहीं नहीं, डेरा वाला तो देखा हुआ है हमारा, पिछले 15 सालों से हम लोग दिल्ली में ही तो हैं। भारती, जलपान नहीं कराओगी? जी जी भारती बहन, जलपान तो होता रहेगा, मगर पहले अगर हम आपकी बेटी से मिल लेते तो। जी लीजिए, हमारी हेतल आ गई। हेतल का नाम लिया और हेतल आ गई। आजा बेटा। आओ बेटे, बैठ। छोरी के ब्याह में कितने काम होते हैं, ये दोनों भी कब से लगे हुए हैं देखो। अरे भाई, मैं तो एक ही बात जाने हूँ, माँ बाप भाई कितने जतन से छोरी का ब्याह करते हैं, लेकिन उसके बाद भी अगर ससुराल में सुख ना पावे छोरी तो फिर के फायदा। बचपन से मासी मासर जी ने बहुत प्यार से लाड से पाला मुझे, शायद इसीलिए मैं थोड़ा सा शैतान हूँ, क्योंकि आज तक मेरे किसी ने कान नहीं खींचे। लेकिन मम्मी जी, आप मेरे कान खींच सकती हैं, आप मेरी गलती भी मुझे डांट सकती हैं, मेरी किसी भी गलती भी आप मुझे डांट सकती हैं, मुझे बहुत अच्छा लगेगा, सोचूंगा मेरी अपनी माँ ने मुझे डांटा है। कौन है वो जिसकी वजह से मेरी हंसती खेलती हमेशा खुश रहने वाली बच्ची, उसकी मुस्कुराहट गायब हो गई? बताना बच्चे, कौन है वो, कौन है? ताया जी, वो अनुकल, वो भाई साहब ऐसे हमारे सामने बैठे रहेंगे तो क्या बात करेंगे? भारती बहन, क्या हम इन लोगों को थोड़ी देर के लिए अकेला नहीं छोड़ सकते? जी? अकेला? हेतल बेटा, जाओ जरा वहां, जाओ बातें करो। अनुकल, साक्षी को लेकर जाओ, ऊपर छज्जा पे जाओ। स्वीटी भाभी, परमीत भाई साहब पिकनिक पे जा रहे हैं, उन्होंने सिर्फ पूछा है कि अगर आप मुना को हमारे साथ आने दें तो। पटा लिया है उसने कोल्टी को, तो कॉलेज के लिए गई थी ना, कोल्टी के साथ दिन भर गुलचर्रे क्यों उड़ा रही थी, पूछे इसे। नहीं पुत्र, बात यह है कि अब तक फेरे नहीं हुए हैं, और शादी से पहले ऐसे बाहर घूमना फिरना हमारे यहाँ अच्छा नहीं माना जाता। ओए विम्मी, ये तो क्या कह रही है, अपने होने वाले दामाद को नाराज करेगी। भाई साहब, वो दरअसल गोल्डी मोना से अकेले में कुछ बात करना चाहता है, अब इन बच्चों की बातों में हमारा क्या काम। आइए ना, हमारा दूसरा बहुत सारा काम है, आइए। चुपचाप लग रही, कुछ हुआ क्या? एनीवेज, कल हम लोग पिकनिक पे जा रहे हैं, मैं, तुम, स्वीटी भाभी और परमीत भाई साहब। आपके मम्मी पापा से परमिशन ले ली है, कल आपको 11 बजे पिक करूंगा। एंड लिसन, बी ऑन टाइम प्लीज। तुमने दोबारा फोन किया अनुकल को? तुमने ऐसे कैसे मेरा फोन चेक किया? देखने क्या चाहते हो? हाँ, वही जो तुम छिपाना चाहती हो।